Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास पोको का F5 है और आपको उस फोन की रिंगटोन सेटिंग करना है तो मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन में कैसे रिंगटोन सेटिंग आप कर सकते हो, रिंगटोन चेंज कैसे करना है इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ आने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन आपको नजर आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको अगर रिंगटोन चेंज करना है तो सिंपल आपको रिंगटोन पर जाना होगा। रिंगटोन पर जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अगर आपका नेट ऑन होगा तब इस तरह से इंटरफेस होगा, अगर नेट ऑन नहीं है तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आपका यहाँ पे इंटरफेस आपको मिलेगा। तो फिर से क्लोज करके फिर से सेटिंग में चलेंगे और यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस मिल रहा है। तो फोन की रिंगटोन को चेंज करने के लिए आपको ऑल रिंगटोन पर क्लिक करना होगा तो सभी रिंगटोन फोन की आपके सामने आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर फाइल से लगाना चाहते हो आप तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चूज लोकल रिंगटोन, इस पर आप क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल पर सेलेक्ट करने के बाद आपके फोन के अंदर फाइल खुल जाएगी। तो फाइल के अंदर जितनी भी ऑडियोज होंगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हो। म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तब भी सभी ऑडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फोन के अंदर कोई भी ऑडियो वगैरह नहीं है जिसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर ऑडियो होता कोई भी रिंगटोन वगैरह होती तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, जो भी रिंगटोन है आपकी उस पर क्लिक करके यहाँ आपको ओके करना होगा। अब आपको वापस आना होगा तो आपकी फाइल से सेट हो जाएगी। इस तरह से फाइल से आप लगा सकते हो। सेम इसी तरह से आप नोटिफिकेशन साउंड को बदल सकते हो, क्योंकि यहां देखने को मिलेगी। अलार्म साउंड को आप यहां से बदल सकते हो। और यहां पे आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम ऑब्जेक्ट, जो कि अपने हिसाब से आप रख पाओगे। पहला वॉल्यूम आपका मीडिया का रहता है, जो भी आप गाने वगैरह चलाते हो वो यहां से कम या और ज्यादा कर सकते हो। यहां पे रिंगटोन ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे, जो कि आपकी रिंगटोन वॉल्यूम कितना रहना चाहिए उसको अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। अलार्म वॉल्यूम भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको अदर साउंड सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि आपका फोन साइलेंट या फिर किस तरह से होना चाहिए वो कर सकते हैं। यहां पे आपको देखो मिलेगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आप अदर साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि नंबर को डायल करते समय जो आपको टून सुनाई देती है उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको बंद कर पाएंगे। टैप करते समय आपका फोन आवाज करना चाहिए तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक या और इसके अलावा आपका स्क्रीन शॉट लेते समय आपकी स्टॉलिंग एंड अनस्टॉलिंग सभी ऑप्शन रहते हैं, अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं जो कि आप करना चाहें। इसके अलावा बैक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि वाइब्रेट फॉर कॉल। ये फीचर ऑन रहेगा तभी आपका फोन वाइब्रेट होगा, नहीं तो वाइब्रेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपको फोन वाइब्रेट होना चाहिए कॉल आने पर तो इस फीचर को ऑन करके रखिए। तो इसके अलावा यहाँ पे इस कॉल करने पे आपको हैप्टिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अपना हैप्टिक का आप कितना रखना चाहते हैं, मतलब बैक बटन को प्रेस करते हैं तो आपका फोन कितना ज्यादा वाइब्रेट होना चाहिए उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगे, जो कि अपने हिसाब से आप रख पाओगे। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।